अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका रमज़ान के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आज इफ्तारी के लिए टेक अवे कर रहा हूँ दावत का मिक्स ग्रिल, मुझे पसंद है। मैंने सोचा कि आज जब मैं दावत से ये मिक्स ग्रिल मंगवाऊँ तो क्यों ना उसको रिव्यू भी कर लूँ तबसरा यूके के लिए। तो आइए चलते हैं दावत रेस्टोरेंट और वहाँ से मिक्स ग्रिल लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा लगा मुझको। नाज़रीन, अगर आपने तबसरा यूके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लंदन के मनाजिर देख रहे हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है, सनी है और बड़ा अच्छा मौसम है काफ़ी दिनों बाद। जी नाज़रीन, अब हम टूटिंग पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंच के आप ये देख सकते हैं कि अब ये टूटिंग के बाज़ार के ये नज़ारे हैं। काफ़ी मसरूफ़ लग रहा है इस टाइम टूटिंग, और टूटिंग ख़ास तौर पे काफ़ी मसरूफ़ जो है ये बाज़ार है, ये रोड है, काफ़ी मसरूफ़ रहती है। और आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे अभी कुछ देर में दावत देखेंगे, ये टूटिंग का एक मशहूर रेस्टोरेंट है। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह पूरे टूटिंग का जो है एक उस पर एक तबसरा करेंगे और उसमें दिखाएंगे कि टूटिंग के बाज़ार में क्या क्या जो है वो रेस्टोरेंट्स और बाज़ार हैं जिधर आप जा सकते हैं। और अब हमें टूटिंग के जो ये रेस्टोरेंट है दावत का, इसमें मैं अब अंदर जा रहा हूँ। यहाँ के नान मुझे बहुत पसंद हैं, इनके नान जो हैं वो मैंने बहुत जगहों से नान खाए हुए, लेकिन मुझे दावत के नान बहुत पसंद हैं। और बाकी भी इनकी बहुत चीज़ें अच्छी हैं, ग्रिल इनका बहुत अच्छा है और इसी वजह से मैं आज ग्रिल ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन जो है इसके अलावा भी इनके बहुत अच्छे मेन्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह जब लॉकडाउन के बाद डाइन इन सर्विस शुरू होगी तो फिर तफसील से इनके मेन्यू को भी उस पर तबसरा करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो मेरी मिक्स ग्रिल है वो बन चुकी हुई है। अब इसको ये सॉस के साथ उसका कोई तड़का लगा रहे हैं, और ये इनकी सॉस भी मुझे बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे जब ये पेपर्स के साथ जब इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं जो मेरी ग्रिल जो है वो तैयार हो रही है, वो ये बस आखिरी मराहिल में है। बस ये मसला ज़रूर है कि दावत में जो है वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो अंदर खाने की डाइनिंग सर्विस है वो अभी बंद है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इन्होंने सारी जो कुर्सियां हैं वो अभी तरतीब से नहीं रखी हुई। मुझे इनके दावत की ख़ास बात ये लगती है कि इनका जो अंदर का इंटीरियर है जो डेकोरेट किया हुआ है जिस आर्ट वर्क से, वो बहुत इनका मुझे अच्छा लगता है। ये अब आप खाने के मनाजिर देख रहे हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं डिस्प्ले में। इनका चपली कबाब भी बहुत अच्छा है, और अब मेरे जो मिक्स ग्रिल है वो रेडी हो गया है। अब मैं उसको पे कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम इसको रिव्यू करते हैं घर जाके कि ये कैसा टेस्ट आता है। दावत की आजकल ख़ास बात ये है कि उन्होंने डाइन इन सर्विस ना होने की वजह से अपने हर टेक अवे मेन्यू पर जो है 30% डिस्काउंट दिया हुआ है। ये अच्छा खासा डिस्काउंट है, यानी कि अगर आपने 20 पाउंड की चीज़ ली है तो आपको उस पर से 6 पाउंड तो बची गए। जी नाज़रीन, अब हम घर ले आए हैं मिक्स ग्रिल के, और जिस तरह लोग अपनी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं, हम मिक्स ग्रिल की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, टेक अवे की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा इसको प्लेट में निकाल के भी
कि इस मिक्स ग्रिल जो कि तकरीबन 11 पाउंड की होती है स्टैंडर्ड साइज़ में, और इसके बाद इसके लार्ज साइज़ भी होता है, तो इस मिक्स ग्रिल को आप देखेंगे कैसे देखने में कैसी लग रही है। और इसको जो है अब मैं प्लेट में बारी बारी डाल के जो है इसको मज़ीद इन डेप्थ तबसरा करेंगे कि ये जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मिक्स ग्रिल कहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कितनी मकदार में हैं। तो आप इसको देखते जाएं, मुंह में पानी आता जाएगा। इसमें जो चॉप्स हैं इनकी वो बहुत अच्छी होती हैं, उसके सॉस बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज चॉप्स मुझे इतनी पसंद नहीं आई जो मैंने इससे पहले वाले बॉक्स को खोल के खा चुका हूँ। लेकिन जो है चॉप्स इनकी जो है आज इतनी वो अच्छी नहीं बनी हुई थी, लेकिन बाकी इनकी सॉस, इनकी शिमला मिर्च जिस तरह मैंने बताया, पेपर्स जो हैं, अनियन जो हैं, वो सॉस में बहुत अच्छे जो है वो हुए हुए थे, एम्बेडेड हुए हुए थे। बाकी जो है इनकी सारी चीज़ें जो हैं दे वर वेरी गुड। जी नासिन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन मैंने कहा कि ये मिक्स ग्रिल दावत का बहुत अच्छा है, आप लाजमी ट्राई करिएगा, और इसमें जो है आपको सॉस भी बहुत पसंद आएगी, बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, और अगर आपको चॉप्स भी, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी शायद पसंद आ जाएं, इस दफ़ा पसंद नहीं आई इतनी। तो आज की वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।